शरणावतु शरणौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया गया है? मनुष्य शरीर की दुर्लभता, मुमुक्षुत्व की दुर्लभता और महापुरुषों का संग, ये अत्यंत दुर्लभ बतला दिए गए। और ये तीनों सुलभ जिसको हो गए, दुर्लभ जिसको सुलभ हो गए ईश्वर कृपा से, क्योंकि तीनों दुर्लभों की सुलभता में हेतु क्या बतलाया था? देवानुग्रह हेतुकम। क्या हेतु बतलाया था? देव माने ईश्वर, ईश्वर अनुग्रह ही मात्र हेतु है, कारण है, ये बतलाया था। तो उसमें भी ये तीनों दुर्लभ सुलभ हो गए। और फिर ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान, कितने ही कर्म और उपासना और विभिन्न प्रकार की साधनाएं की जाए, लेकिन आत्मिक बोध के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होता है, भले ही 100 कल्प बीत जाए। तो इसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की जो महिमा है, ब्रह्म निष्ठा का जो महत्व है, वो भी प्रतिपादन कर दिया है। अब ये जो ज्ञान है, ये केवल हमारी बुद्धि में ना रहे, ये ज्ञान हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, आत्मसात हो जाए, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए उपाय बतलाते हैं। तो 8वां श्लोक से आरंभ करेंगे। अतो विमुक्त्यै प्रियते तविद्वान् सन्न्यस्त बाह्यार्थसुखस्प्रहसन् संतं महंतं समुपेत्य देशिकम् तेनोपदेष्टार्थ समाहितात्मा। अतः विमुक्त्यै प्रियतेत विद्वान् सन्न्यस्त बाह्यार्थ सुखस्प्रह सन् संतम महंतम समुपेत्य देशिकम तेना उपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अतः इसलिए, किसलिए किसलिए? इसलिए कि आत्मिक बोध के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, भले ही कुर्वन्तु वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। बतला दिया है पीछे
कि भले ही शास्त्रों की कितनी ही व्याख्याएं करें और कितने ही विशाल यज्ञ याग आदि किए जाए और कितने ही प्रकार के कर्म किए जाए और देवताओं की अनेकों प्रकार से उपासनाएं की जाए, लेकिन आत्मिक बोध के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, सो कल्पों में भी ये बतला दिया है। इसलिए अतः अतः माने इसलिए, और ये भी बतला दिया है, पीछे तो सारा महिमा बतलाया ही है कि जो अपनी आत्म मुक्ति के लिए प्रयत्न ना करे वो तो मूढ़ बुद्धि है। और क्या बतलाया था, आत्महनन करने वाला है। और यहाँ पर इतना कह करके भी संतोष का अनुभव नहीं हुआ, स्वयं विनिहंती अपने आप को नष्ट करने वाला है। असद ग्रह, असत में देह आदि जो असत है इनमें आग्रह होने के कारण, सत्यत्व बुद्धि अहम बुद्धि होने के कारण से वो क्या है, अपने आप का हनन करने वाला है, विनाश करने वाला है, ये बतला दिया है। तो इसलिए क्योंकि आत्महत्या के पाप से और अनेकों प्रकार के क्लेशों से दुखों से मुक्ति जो दिलाने का साधन है वो क्या बतलाया है, केवल ये ब्रह्म ज्ञान, केवल ब्रह्म ज्ञान, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, बतला दिया है। इसी कारण से कह रहे हैं अतः इसलिए विद्वान को, विद्वान माने विवेकी व्यक्ति, इसलिए विवेकी व्यक्ति को कौन करेगा, विवेकी ही तो करेगा ना, प्रयत्न कौन करेगा। अतः विद्वान विमुक्त्यै प्रयतेता, इसलिए विद्वान जो है मुक्ति के लिए प्रयतेता प्रायतेता प्रयत्न करे, क्या करे, प्रकृष्ट यतन करे। यतन तो करते हैं ना, यतन कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे, लेकिन यतन से कहते हैं काम नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, प्रायतन, प्रकृष्ट यतन, केवल यत्न से कार्य नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न। तो इसीलिए बतलाते हैं प्रायतेता, क्या करें, प्रकृष्ट यतन करें, किसके लिए, मुक्ति के लिए ना बोल करके विमुक्ति ही बोल दिया, विमुक्ति ही विशेष रूप से मुक्ति, इसके लिए भी, या विशिष्ट जो मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति तो यहाँ पर भी आपको मिलती रहती है ना, जैसे भूख लगी भोजन किया तो क्या हो गया, ऐसे शरीर में रोग हुआ औषधि का सेवन किया तो क्या हुआ, रोग से मुक्ति हो गई, और ऐसे ही सर्दी लग रही थी और वस्त्र आदि लपेट लिए तो क्या हुआ, तो सर्दी से मुक्ति हो गई ना। तो ऐसी मुक्ति के लिए नहीं, ऐसी मुक्ति तो रोज आप पता नहीं दिन में कितने बार पाते हो और कितने बार फिर बंधन में गिर जाते हो, बंधन में पड़े रहते हो, तो उसको मुक्ति नहीं कहा है। जो विमुक्ति कि समस्त क्लेश दुख भय से मुक्ति सदा सदा के लिए हो जाए, फिर जीवन में ये वापस लौट के ही ना आए, अपने में कभी ये वापस, अपने में ये है ही नहीं,
हाँ, लेकिन ये बात अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तो अभी जो है साधक को उपदेश कर रहे, आरंभिक जिज्ञासु। तो अपने में जो ये मानता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, बंधन में हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मेरी दुर्गति ना होवे, किस प्रकार से मेरी सदगति हो, किस प्रकार से मेरी को मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं मुक्त हो जाऊं समस्त अनर्थ, समस्त क्लेश, समस्त बंधनों से, है ना। तो इस प्रकार का जिसका निश्चय है तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसे विवेकी को मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, संपूर्ण यत्न करना चाहिए, पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा देनी चाहिए। संसार में थोड़े थोड़े लाभ के लिए, थोड़े थोड़े लाभ लोभ के लिए क्या करता है, पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा देता है, नहीं लगा देता है, लगा देता है, और यहाँ पर सोचता है हो जाएगा, कहते ना बना तो बना तो बन जाई, ये तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो कहता है ना हो जाएगा, कि उसका कभी नहीं होगा, जो ये सोचता है हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, क्या उसका कभी नहीं होगा। ये तो बड़े निश्चय के साथ बढ़ना पड़ता है इस पथ पर। और संसार तो हमें प्रारब्ध से कहो, स्वभाव से कहो, स्वतः ही कहो, प्राप्त ही है। और हमारी जो इंद्रिया या चित्त है वो संसार के जो विषय पदार्थ है उनको सहज ही स्वाभाविक ही विषय कर लेता है, तो उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे भूख लगेगी तो भोजन की प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी, प्यास लगेगी तो पानी प्यास बुझाने के लिए प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन मोक्ष के लिए प्रवृत्ति जो है वो स्वतः होने वाली नहीं है, विवेकी व्यक्ति ही विचार करके अपनी मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। संसार में बुद्धिमान वही है जो इस संसार को, शरीर को पा करके आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करे, वही बुद्धिमान। जो जीवन में साधु हो जाए वही बुद्धिमान है। क्या हो जाए? डरना मत। साधु होने का मतलब है किसी भी विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का राग न होना, ये साधुता है। साधुता का मतलब यह मत समझ लेना कि वस्त्र, गैरिक वस्त्र धारण कर लेना मात्र से कोई सन्यासी हो जाता, किसी भी विषय वस्तु पद पदार्थ में किंचित भी राग का न होना, ये साधुता। और राग का न होने से अभिप्राय है सत्यत्व बुद्धि का न होना। पहले राग दूर होगा तब उसमें जो सत्यत्व बुद्धि है वो सत्यत्व बुद्धि हटेगी उसमें। तो इनमें सत्यत्व बुद्धि का ना होना ये साधुता। लोभ जीवन की उपलब्धि नहीं है, मोह जीवन की कमाई नहीं है, काम या क्रोध जीवन के लिए कोई मूल्यवान नहीं है, अहंकार किसी प्रकार से आपका हित करने वाला नहीं है। ये सब के सब क्या करते हैं, इस जीव को बांधने वाले,
गुलाम बनाने वाले और नरक में ले जाने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं ही कह दिया है, क्या बोला है, त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम् त्यजेत। आत्मनः नाशनम, क्या करते हैं आत्मा का, इस जीवात्मा का क्या करते हैं, नाश करने वाले। तीन नरक के द्वार बतलाए, कौन से, काम क्रोध और लोभ, चौथा है मोह, और इन सब का सरदार है उसके तो बाल बच्चे हैं ही, अहंकार के तो संतान है ना ये। तो इसलिए ये जो है आत्मा का नाश करने वाले, बंधन में डालने वाले, ये जो बारंबार हमें शरीरों की, और ये शरीर क्या है, नरक रूप ही है ये शरीर जो है। पूछा है ना, को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहः, घोर नरक क्या है, ये पूछा है शंकराचार्य जी महाराज से। शिष्यों ने पूछा घोर नरक क्या है, क्या बोला है घोर नरक क्या है, उत्तर क्या दिया है, स्वदेह, अपना जो शरीर है वो क्या है, घोर नरक है महाराज जी। बाकी बात मान लेंगे आपकी, पर ये बात नहीं, दूसरे का शरीर नरक रूप है वो ठीक है, अपना शरीर थोड़ा नरक रूप होता है हाँ? लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये जो शरीर है इसमें अहमता है ना जी, इसमें क्या हो गया, तादात्म्य होने से आत्मबुद्धि, इस कारण से इसकी अशोभनता होते हुए भी इसकी अशोभनता हमारी दृष्टि में नहीं आती, छिपी रहती, जबकि है ये अशोभन रूप है ना जी। और कितना भय जुड़ा हुआ है इसके साथ में, कहते हैं वहां पर -50 डिग्री टेम्परेचर है। अब ये शरीर वहां हो और इस शरीर में हमारी क्या है, अहमता ममता है, तो कितना क्लेश होगा, कितना क्लेश होगा, जो सर्दी लगेगी ठिठुरोंगे, कितना क्लेश है, क्लेश ही क्लेश है। क्यों क्लेश है, इस शरीर में तादात्म्य के कारण से, आत्मबुद्धि के कारण से। तो इसलिए शरीर जो है नरक रूप ही है, और निरंतर इसमें रोग वियोग है, और भूख प्यास आदि, और वात पित्त कफ, और ये सब कुछ तो है ही इसमें है, जो इसकी वास्तविकता है। तो इसलिए इसमें कोई शोभनता नहीं, यही नरक रूप है, पर इसी को स्वर्ग रूप माने रहते हैं, शोभन रूप माने रहते हैं। तो ये मोह ही है, अविवेक ही है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। शरीर को शोभन रूप समझना ये क्या है, अविवेक ही है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बतलाते हैं हम, मैं आपको कह रहा था कि साधु हो जाना, साधु हो जाने का मतलब आप समझ गए ना, कहीं पर भी कोई लोभ कोई मोह है, किसी प्रकार की अहमता, किसी में भी किसी भी प्रकार की सुख बुद्धि, काम क्रोध आदि यदि ये बने हुए है तो बंधन में ही है, बंधन में ही है शरीर रहते रहते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, बारंबार मैं आपको स्मरण दिलाता हूं कि शरीर रहते रहते इसी जन्म में जो काम क्रोध आदि के वेगों के ऊपर उठ गया है वही क्या है, वही योगी है, वही सुखी है। जो योगी होगा वही सुखी होगा।
तो हमारे पास ऐसा अवसर है जो किसी के पास नहीं। कैसा मानना चाहिए? ऐसा मानना चाहिए अपने आप को कि हमारे पास ईश्वर कृपा से ऐसा अवसर है कि ऐसा अवसर शायद पहले भी किसी को ना मिला हो और आगे भी किसी को ना मिले। इसलिए जो प्राप्त साधन है, सुविधा है, अवसर है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए, संपूर्ण लाभ ले लिया जाए। और संपूर्ण लाभ लेने का अभिप्राय है कि अपनी इंद्रिया और अपना चित्त जो विषयों के दलदल में धसे हुए है, वहां से निकल करके और अपनी आत्म चिंतन में संपूर्ण रूप से लग जाए। किस में लग जाए? आत्म चिंतन में ही लग जाए, आत्म कल्याण के लिए ही प्रयत्न करे। बाकी और प्रयत्न करने की आवश्यकता बहुत लोग हैं, वो बाकी लोग बनवाए हुए हैं। आप कहोगे देश की चिंता भी तो करनी है जी, तो वो अलग लोग बनवाए हुए हैं, उस तरह के आदमी पहले ही भेज दिए थे, है ना? सब तरह के चाहिए ना, नहीं? जैसे सेना होती है तो उसमें लड़ने वाले अलग होते हैं, हथियार बनाने वाले अलग होते हैं, भोजन बनाने वाले अलग होते हैं, सफाई करने वाले, टेंट तंबू गाड़ने वाले अलग होते हैं, हैं? तो कहना आप क्या कौन से बनोगे? तो सबको लड़ने वाले बनने की जरूरत, कहना हम तो भोजन बनाने वाले बन जाएंगे भाई। और पूजा करने वाले अलग होते हैं, नहीं? पूजा करने वालों को सेना सरकार जो है अलग भर्ती करती है ना, कि सैनिकों को पूजा आदि करवाएं। तो आपको भर्ती कर लिया गया है, ठीक है? कहाँ भर्ती किया आपको? हाँ, बस आपको कहा है कि केवल आत्मचिंतन करो, बाकी कहना कि हम कर लेंगे अपने आप, चिंता ही मत करो। बहुत दुनिया है यहाँ करने वाली, और आपसे बढ़िया करने वाले हैं, सब आपसे बढ़िया ही बढ़िया करते हैं। वो बात अलग है, आप ये सोचते हो कि मेरे से बढ़िया कोई कर नहीं सकता, सभी सोचते हैं। ये कोई आपकी अलग बात थोड़े ही है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो उस तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, झांकना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? जाने की बात तो दूर, क्या जी, संसार की तरफ देखो भी मत और देखने तो छोड़ो, झांको भी मत। सीधा अपना एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य केवल अब क्या, बस छोड़ दो फिकर, छोड़ दो प्रवाह, इसी की प्रवाह करते रहते हो। जो प्रवाह करते करते भी रहना नहीं है, प्रवाह करते करते भी सब छोड़ छोड़ के भाग रहा है, शरीर ही छोड़ के भाग रहा है। इसलिए अब ये करो, तो इसलिए यहीं पर आओ, मेरा जो बतलाना था वो हमने आपको बता दिया है कि ये निश्चय कर लीजिए, क्योंकि निश्चय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप किसी कार्य में प्रवृत्त हो जाए करने के लिए, उससे पहले निश्चय बड़ा महत्वपूर्ण है ना, विचार निश्चय। ऐसे ही चल पड़ेंगे और फिर पीछे झांकते रहेंगे, अरे मैं तो ताला लगाना भूल गया, अरे मैं तो लाइट बंद करना भूल गया, अरे मैं तो जा रहा है आगे और सोच रहा है पीछे, तो फिर वो वहां का आनंद ले पाएगा क्या? नहीं। और आनंद तो क्या लेगा, वो जा ही पाएगा क्या? है? अरे मैं तो मोटर चलाना, मोटर बंद करना भूल गया, ये करना भूल गया, वो करना भूल गया, तो तू वही कर चल। इसलिए पहले ही विचार कर लो कि हो गया, फुल स्टॉप। संसार में जो कुछ करना था, जो धरना था, सब ये तो यही ऐसे ही चलेगा। रोज सफाई करते हैं हम, रोज गंदा हो जाता है, पता नहीं कौन करके जाता है, हैं? तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए ज्यादा इनमें बस उतना ही हो शरीर निर्वाह के लिए, और वो भी महात्मा के लिए, तो वो भी ज्यादा चक्कर में पड़ने वाली बात नहीं है, उसमें भी ज्यादा पड़ने वाली बात नहीं। अच्छा जी, देखें विद्वान बोल दिया है, क्योंकि इधर कोई विद्वान ही चल सकता है, विवेकी।
विद्वान से अभिप्राय है कि विवेकी जो है मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। तो क्या प्रयत्न करना क्या है जी, तो बतलाते हैं। संन्यस्त बाह्यार्थ सुख प्रहसन, संन्यस्त माने त्याग, संन्यस्त माने त्याग की, बाह्य माने जो बाह्य और अर्थ माने जो विषय। बाह्य जो विषय है और उन बाह्य विषयों में जो सुख बुद्धि बनी हुई है, बाह्य विषयों में क्या बनी हुई है, सुख बुद्धि बनी हुई है, उस सुख की जो स्प्रहा है, इच्छा है, उसका संन्यस्त माने त्याग कर। बाह्य विषयों में सुख की स्प्रहा का क्या करके, त्याग करके, परित्याग करके, ये अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति दौड़ता है, दौड़ता रहता है, लेकिन पीछे ये नहीं देखता कि बंधा हुआ है, जो खूंटे से बंधा हुआ है वो दौड़ेगा तो कहाँ तक दौड़ेगा, जितना बड़ा रस्सा है तो बंधा हुआ है ना, तो खोलना पहले महत्वपूर्ण है, दौड़ना बाद का कार्य है, पहला कार्य क्या है। तो परमात्म चिंतन में तो लग जाता है, विविध प्रकार की साधना उपासना में लग जाता है, लेकिन जो राग आसक्ति से बंधा हुआ है उसका विचार ही नहीं करता है कि यही वास्तव में बंधन है, और जिसको तू सुख रूप मानता है यही वास्तव में दुख रूप है, और यही वास्तव में तेरी परतंत्रता का मूल है, और कोई बंधन ही नहीं है और कोई परतंत्रता ही नहीं है। तो इसलिए पहला यही बोल दिया है, अष्टावक्र जी ने भी तो ये बोला है ना, क्या बोला है अष्टावक्र गीता के आरंभ में, क्या बोला है, मुक्तिमिच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज। क्या बोला है, हे तात जनक जी, यदि मुक्ति चाहता है तो क्या करो, विषयान विषवत् त्यज। हाँ जी, विषय के जो विषय है उसको ही त्याग करता, जो विषय है ये विष के समान इनका परित्याग कर दो, कि ये विष रूप ही है, जहर है ये, क्या है, जहर है, जहर है, क्या महाराज ऐसा तो नहीं है, ये तो क्या है, जहर नहीं है, क्या मानता है इनको, सुख रूप मानता है, अमृत मानता है, क्या मानता है, अमृत मानता है। तो ये अविवेक है, ये मोड़ता है कि वास्तव में ये जो विषय है ये विष के सदृश है, दुख रूप है, इसलिए विचारवान जो साधक है वो इसके लिए प्रयत्न करता है पहले। और आगे ये भी तो कहा है ना प्रश्नोत्तरी में ही, क्या बोला है, बंधा हुआ कौन है, बंधो ही कोयो विषयानुरागी कावा विमुक्ति विषये विरक्ति, बद्धौ ही कोयो, कौन बंधा हुआ है, विषयानुरागी, विषयों में जिसका अनुराग है, प्रेम है, प्रीति है, सुख बुद्धि है, वही बंधा हुआ है। कावा विमुक्ति विषये विरक्ति, तो यही मुक्ति है कि विषयों में जो सुख बुद्धि सत्यत्व बुद्धि है ये नष्ट हो जाए, गलित हो जाए, यही क्या है, यही मुक्ति। आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध या आत्मा की अनुभूति कोई ये कठिन कार्य नहीं है,
ये कुछ भी नहीं है, ये समझिए। लेकिन जो बाह्य दृश्य प्रपंच विषय वस्तु में जो सत्यत्व बुद्धि और सुख बुद्धि, जिसके कारण से उनमें भ्रमण करता है दृढ़ रूप से सुविरूढ़ मूला, जैसे गीता जी में आया ना, कैसे बंधा हुआ है उसका जो मूल है वो बड़ा ही गहरा है, बड़ा पक्का है, दृढ़ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या बोला है 15वें अध्याय में, शुरू में यही बोल दिया, संसार रूपी वृक्ष और इसकी जड़ क्या बतलाई है, इसकी जड़ बतलाई है ये जो वासना है। क्या बताया? इसकी जो वासना, इसकी जो अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जो वासना रूपी इसके जो दृढ़ मूल है उनको असंगता रूपी वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा चित्वा काट करके, उसके पश्चात क्या क्या कहा है, चौथा श्लोक है, ततः पदम तत् परिमाण, ततः उसके पश्चात परमात्म पद का अन्वेषण करना चाहिए। ततः इसके क्या बोला है, उसके पश्चात, पहले क्या करता है, परमात्म पद का अन्वेषण करता है और आसक्ति छोड़ता है, तो फिर उसका क्या अर्थ हुआ, कोई अर्थ नहीं हुआ ना। जबकि स्पष्ट ततः, भगवान श्री कृष्ण का पहला ही शब्द क्या है, उसके ततः उसके पश्चात, जैसे यहाँ पर क्या है अतः, ऐसी वहां पर क्या आया है ततः, ततः उसके अनंतर, पहले क्या काम करो, पहले ये कर लो है? पहले झाड़ू पोछा कर लो, उसके बाद सजाइए, उसके बाद पहले बर्तन को साफ कीजिए, उसी के पश्चात उसमें जो भोजन है वो भोजन डालिए, पहले डालेंगे खाएंगे बाद में साफ करेंगे, ऐसा क्या, ऐसा नहीं, पहले साफ कीजिए तब भोजन डालिए। तो ततः उसके पश्चात, तो वैसे यहां पर भी बोल दिया कि बंधन भी यही, विषयों का अनुराग ही बंधन है। और अष्टावक्र जी महाराज ने भी बोल ही दिया है कि विष के सदृश विषयों का परित्यागी महान कार्य है। ये क्या है, महान कार्य, यही महान कार्य, सबसे महान कार्य यही है, सबसे महान कार्य यही है। आगे बतलाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैव यहात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। ग्रंथों को देखो और ग्रंथों में पूरा का पूरा परमार्थ पथ कहो या साधना का क्रम कहो, पूरी तरह विस्तार पूर्वक समझाया हुआ, दृष्टि चाहिए देखने के लिए। व्यक्ति इसी दुविधा में रहता है, क्या करूं, ब्रह्म चिंतन करूं या कोई उपासना करूं या कोई यज्ञ यागादि करूं या तीर्थ करूं या जप करूं या ध्यान करूं, ध्यान करूं तो है? प्रकाश का ध्यान करूं, श्वासों का ध्यान करूं, साक्षी का ध्यान करूं, इन्हीं दुविधाओं में रहता है किसी में, तो ये तो विषय इसका ध्यान नहीं। हाँ, ये तो स्पष्ट ही है कि क्या करो, पहले ही बता दिया है, तो अपने आप का उद्धार करें, तो वहां स्पष्ट बताया हुआ है कि अपने आप का उद्धार करना क्या है, अपनी इंद्रियों को, चित्त को जो विषयों में ही निमग्न है उनसे उनको हटाना, यही क्या है, उनका उद्धार करना, अपने आप का उद्धार। लेकिन ये जो है थोड़े तप, थोड़ी साधना, थोड़े अभ्यास का फल नहीं, नहीं। कष्ट धीरा, कुछ धीरा, कुछ धीरा, कष्ट धीरा, वहां पर बीज रूप में बतला दिया, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान मैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन,
वहां पर आवृत चक्षु का अभिप्राय है, वो उपलक्षण है कि चक्षु को बाहर से ढक करके। ये उपलक्षण किनका हो गया? बाकी इंद्रियों का भी हो गया और चित्त का भी, मन का भी। चलो जी यहीं पर आइए, नहीं तो ये तो शास्त्रों का तो समुद्र है, कहीं से कहीं तक व्याख्या करते रहो। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहुवश्च विघ्ना यत् सारभूतं तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवां भूमिश्रम। अनंत शास्त्र हैं, बहुत कुछ जानने योग्य हैं। अल्पश्च कालः समय, बहुवश्च विघ्नः विघ्न विघ्न ही विघ्न है। यत् सारभूतं तदुपासितव्यम, इसलिए जो जो सार की बात है ना उतना ही। हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम, सार सार को ले लो, बाकी जो है जैसे गीता जी सार है, तो ये जो छोटे छोटे ग्रंथ है ये क्या है? अन्यथा तो मैं कल सुन रहा था ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र के ऊपर ही कम से कम इतने भाष्य लिखे हुए हैं, नाम तक भी याद ना रहे उनको सबको पढ़ना पढ़ाना तो दूर की बात है। कितना परिश्रम करते थे महात्मा लोग, कितना परिश्रम करते थे। जो सामान्य स्थूल बुद्धि वाला है उनको तो ये लग सकता है कि उन महात्माओं का जो परिश्रम है, प्रयत्न है, वो निष्फल है। वो निष्फल नहीं है, निष्फल नहीं है। जो अनपढ़ लोग है ना, वो तो क्या समझते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग है, ये पुस्तकों में लगे रहते हैं, इनका जो प्रयत्न है क्या है? निष्फल है। लेकिन इनमें जो रत्न निकलते हैं, इनके चिंतन करने से, मनन करने से, स्वाध्याय करने से, किस प्रकार से वृत्ति तदाकार हो जाती है पता भी नहीं लगता। सत्संग करते करते, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते करते, विचार करते करते, बुद्धि कब जो विषयाकार थी वो बुद्धि कब परमात्माकार हो गई पता भी नहीं लगता है। संग है ना, तो संग है भाई। शास्त्रों का संग नहीं करोगे तो किन का संग करोगे? कुसंग करेंगे ना, संसारियों का संग करेंगे तो वो क्या करेंगे? वही संसार की बातें। अब सत्संग में तो क्या है, ठहरे ना ठहरे, कम ठहरे ज्यादा ठहरे, पर संग किसका हो रहा है? परमात्मा चिंतन हो रहा है। तो ऐसा संग करते रहेंगे करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो रंग, और वो आपकी लगन पर निर्भर है, कम चढ़ेगा या ज्यादा चढ़ेगा वो आपको दे रहा है। अच्छा जी यहीं पर आइए, इसीलिए क्या बोला है, बाह्यार्थ सुख प्रहा संन्यस्त, बाह्य विषयों में जो सुख की स्प्रहा है उसका परित्याग करके, कि सारे के सारे विषय विचार कीजिए। ऐसे आंख बंद करके मैं तो भाग जाना, छोड़ के भाग जाऊंगा तो बड़ी गड़बड़ है। छोड़ के भागने में और आंख बंद करके भागने में तो बड़ी गड़बड़ है। विचार पूर्वक होना चाहिए। भाग तो गए लेकिन फिर पीछे देखते रहेंगे कि हाँ अरे गलती तो नहीं कर दी है, हैं इसमें तो कुछ भाई, बाकी लोग तो आनंद ले रहे हैं संसार में, खा रहे हैं पी रहे हैं, मस्त राम मस्त है। तो यदि विचार पूर्वक आपका त्याग नहीं होगा, हट पूर्वक होगा या देखा देखी होगा, है या यश प्रतिष्ठा के लिए होगा या और अन्य किसी निमित्त से होगा, तो वो त्याग त्याग नहीं है। विचार पूर्वक, और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो त्याग झटिति होता है, अचानक से होता है, वो त्याग नहीं होता है। क्या बताया था? जो त्याग एकदम से हो जाता है ना, वो कोई त्याग व्याग नहीं होता है। विचार पूर्वक जो होता है कि हाँ वास्तव में ये सुख रूप मानता था, सुख रूप नहीं है, दुख रूप है, और देख फिर बंधन में डाल दिया ना,
फिर बंधन में डालने वाले है ना, देखो इस तरह बांधते हैं ना, देखो इस तरह से जो है उलझाते हैं ना, इस तरह से पकड़ते हैं ना, जकड़ते हैं ना, खूब विचार पूर्वक, खूब विचार पूर्वक। तो उनकी जो दुख रूपता है, असारता है, वो क्या हो गई, अपने सम्मुख प्रकट हो गई। शास्त्र कहते थे या कोई और कहता था या कहता है, वो अपने सम्मुख प्रकट हो गई। क्या हुआ है, अपने सम्मुख। तो उसके पश्चात पुनः प्रवृत्ति उसमें नहीं हो, और यदि प्रवृत्ति हो रही है, इसका कारण क्या है कि उसमें कहीं न कहीं सुख की स्पृहा बनी। यदि प्रवृत्ति हो रही, यदि आपकी इंद्रिया या आपका चित्त उसको पाना चाहता है, उसमें रस ले रहा है, रस लेना चाहता है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि उसमें राग बना हुआ है। त्याग विषय का त्याग हो गया, वस्तु का त्याग हो गया, लेकिन उसमें राग का त्याग नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही धैर्यपूर्ण विचारशील व्यक्ति बहुत ही धैर्य के साथ में अपने इंद्रियों और अपने चित्त को इन विषयों से अलग करता है। ये बड़ा कार्य है, क्योंकि ये हो गया फिर कुछ करना ही कुछ नहीं है। फिर करना क्या है, फिर तो अपना जो वश में किया हुआ चित्त है, जो बालक आपके वश में हो, आपके कहने में हो, बुरी संगति जिसने छोड़ दी है वो आपके कहने में है, अब तो जिधर आप उसको लगाएंगे लग जाएगा ना, सहजता से लग जाएगा, पूरी प्रसन्नता उत्साह से लगेगा। तो वैसे ही आपका इंद्रिया मन वश में किया हुआ है, तो फिर क्या करेगा, वो परमात्म चिंतन क्या करेगा, और परमात्म चिंतन करके परमात्म स्वरूप को समझना, अनुभव करना, ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य है केवल बहिर्मुखता का त्याग, और बहिर्मुखता का हेतु है बाह्य पदार्थों में राग, ये सुख बुद्धि, यही कारण है, और कोई कारण या प्रतिबंध नहीं है। किसी ने बांधा हुआ नहीं, किसी ईश्वर ने आपको खूंटे से नहीं बांधा हुआ है। अपने चित्त में जो विषयों की वासना है, सुख बुद्धि है, स्प्रहा है, उसी से ही आप बंधे, और कोई बंधन नहीं है। आपसे जितना खुला हुआ कोई है ही नहीं, आप ही खुले हुए, बाकी सभी बंधन में आप ही खुले हुए हैं, बाकी सब क्या है, बाकी सब। अच्छा जी, समझ लीजिए क्या बोला है, बाह्य विषयों में सुख की जो स्पृहा है उसका परित्याग करके आगे, तो महान कार्य हो गया, महान कार्य तो हो गया। संतम महांतम समुपेत्य देशिकम, संत महानतम, संतम जो महान संत है, जो महान संत है, संतों में जो सिरमौर है, कैसे सिरमौर है, बड़ा पद है जी उनके पास, बड़ा मठ है जी उनके पास। सिरमौर का अभिप्राय क्या है, सिरमौर का अभिप्राय है कि समस्त जो विषय वस्तु, इनका जो राग, इनके सर पर जो पैर रख करके बैठा हुआ है ना, सांसारिक जो इच्छाएं है उनके ऊपर जो पैर रख कर आसन जमा करके बैठा हुआ है, वही संत शिरोमणि, वही सिरमौर है। और जिसकी चाह बनी हुई है, आशा बनी हुई है, वो तो गुलाब है। एक महात्मा कहते हैं, जब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश,
जब ही आस उपजी ही है जगत गुरु वह दास। महात्मा तब तक क्या है? जगत का गुरु है। महात्मा क्या है? जगत का गुरु है। कब तक? जब लग रहे निराश, जब तक कोई आशा नहीं, जब तक कोई आशा नहीं है तब तक क्या है? वो सबका गुरु है। और जब ही आस उपजी ही है, जब हृदय में आशा होगी तो जगत गुरु वह दास। अब जगत उसका गुरु हो गया, वो सारे जगत का, सारे जगत का गुरु। कब? जब कोई आशा नहीं, कोई आशा, कोई इच्छा, और आशा हुई तो जगत गुरु। आशा वाला तो दास ही है ना, नहीं है? मेरी प्रशंसा करे, हमारी बढ़ाई करे, हैं? तो हमारी क्या है ना, सम्मान करे। तो ये सब क्या है? दूसरों के आश्रित, दूसरों से आशा कर रहा है ना। अब दूसरे करे ना करे, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी है ना। तो गुलाम बन गया है दूसरों से। जो आशा कर रहा है किसी भी चीज की, तो वो क्या है? गुलाम नहीं है क्या? दास नहीं है क्या? है, आएंगे तो आपको जो है थोड़ी सी देर में प्रशंसा करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? हाँ। और दूसरा आएगा, वो थोड़ी आपकी निंदा कर देगा, तो फिर मुरझा जाएंगे। तो आपका खिलखिलाना, आपका मुरझाना किसके हाथ में? अपने हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में दे के रखते हो चाबी। घर अपना, चाबी दूसरों को दे रखी है, ऐसे अच्छी बात थोड़ा है। अपने पास रखो अपनी चाबी, ठीक है? और विचार ही चाबी है, विचार की चाबी जिसके पास है वो आनंद में, वो प्रवाह नहीं करता। निंदा करने वाले निंदा करेंगे, प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करेंगे, लेकिन निंदा भी किसकी और प्रशंसा भी किसकी? शरीर आदि जड़ अनात्मा की ही निंदा है, अनात्मा की ही प्रशंसा है। आत्मा इन सब से अलग है, निंदा प्रशंसा से अछूता है, और मैं आत्मा ही हूँ ऐसा जिसका निश्चय है, अपरोक्ष है, तो उस तक निंदा स्तुति आदि नहीं पहुँचती, ठीक है? हाँ। तो ऐसे महांतम संतम देशिकम, ऐसे जो सन्यासी है, ऐसे जो संत है, महापुरुष जो शिरोमणि है, उनकी समुपेत्य, उनकी शरण में जाकर के, उनके समीप जाकर, उनके समीप जाकर के। हम तो दूर से ही सुन लेंगे जी, हम आजकल सुन लेते हैं ना, इसी से सुन लेंगे। तो इससे सुनना वैसा फलदायी नहीं होता है। वो तो ऐसा ही है कि जैसे सरोवर में दिखने वाला जो सूर्य है, तो क्या वो ताप देता है क्या किसी को? है, उससे सर्दी दूर हो जाती है? सूर्य दिख रहा है, जाओ जल्दी से आइए, है ऐसे तापेंगे तो ठंड भगा देगा? नहीं भगाएगा ना। हाँ, तो वैसे ही दूर से सुनना, हम महात्माओं की जैसे पुस्तकें पढ़ लें, या उनकी कैसेट आदि सुन लें, या आजकल तो और बहुत साधन है उस तरह से सुन लें, वो उपदेश हमें ऐसा लगता है कि हृदय में ठहरने वाला नहीं। हाँ, पहले अपने जो तप किया हो, साधना की हो, पुरुषार्थ किया हो, तो वो ठहरेगा भी, क्योंकि वो आपके किए हुए को पुष्ट कर रहा है। अन्यथा ये जो सेवा आदि है, विनम्रता है, ये आवश्यक है। अब जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, सेवा नहीं की, हमें पता भी लगता है कि हम अहंकार रहित हो गए, विनम्रता आ गई है नहीं आ गई है, ऐसी कैसेट से पता लगेगा क्या? और आएगी भी नहीं, घर बैठे बैठे कैसे आ जाएगी? पुस्तक आदि पढ़ने से या सुन लेने से वो आने वाली पात्रता आने वाली नहीं है। और पात्रता के बिना ज्ञान ठहरेगा कैसे? पात्र में ही तो ठहरेगा। तो इसीलिए होता था कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, तद विद्धि, उसको जानो, प्रणिपाते ना, पहले क्या करो?
प्रकृष्ट रूप से निपात, साष्टांग दंडवत प्रणाम, परिप्रश्नेन सेवया। और फिर क्या करो? सेवा। परिप्रश्न बाद में, फिर क्या करो? सेवा आदि के द्वारा संतुष्ट और प्रसन्न। और जब संतुष्ट हो जाए उसके पश्चात ही जब अनुमति हो कि हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो, तो उसके पश्चात अपने प्रश्न कर। ऐसी विधान रहा है, ये विधि है, नियम है इस प्रकार से। तो लेकिन जो बिना सेवा, बिना संयम, बिना साधना, बिना तप के जो प्राप्त हो जाता है वस्तु, वो वस्तु के प्रति मूल्य महत्व बुद्धि नहीं होती। इसलिए तो ये विद्या जो है, जो देखा जाता है कि पात्रता है क्या, इसमें अधिकारी है या नहीं है, पहले देख लेते थे तभी उपदेश करते थे। महात्मा लोग सबको और सब जगह ये आत्मविद्या का उपदेश नहीं करते, साधारण उपदेश करें, आचार विचार सुधारने के उपदेश करें, बुराई छोड़ने के उपदेश करें। लेकिन ब्रह्म विद्या तो केवल जो अत्यंत जिज्ञासु है, अधिकारी है, उनको ही उपदेश करना चाहिए। अच्छा जी, यहीं पर आइए। तो ऐसे जो महान संत सन्यासी है, समुपेत्य उनके समीप जाकर के और सेवा शुश्रूषा आदि के द्वारा उनको क्या करके प्रसन्न संतुष्ट करें। तो जब वो तेना उपदिष्टार्थ समाहितात्मा और उनके द्वारा जो उपदेश किया हुआ जो अर्थ है, ज्ञान है, विषय है, उसको समाहितात्मा समाहित हो करके उनके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है, उस ज्ञान को समाहित अंतःकरण हो करके ऊपर वाला नीचे ले आना है कि विमुक्त्यै प्रयतेत, मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। साधन बता दिए, पात्रता भी बता दी है और ज्ञान प्राप्ति का साधन भी बता दिए। पात्रता क्या बतलाई है? बाह्य विषयों में जो सुख बुद्धि है उसका परित्याग, ये पात्रता बताई। उसके पश्चात साधन क्या बताया है? केवल किसी ब्रह्मनिष्ठ संत का संग सानिध्य पर्याप्त, बस। कहते और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ, क्योंकि आप श्रवण करेंगे तो मनन तो होगा ही। अब हम श्रवण करें और मनन नहीं होता है तो उसका कारण क्या है? बाह्य विषयों में आसक्ति। इसी कारण से ना, मनन न होने का कारण और कोई है ही नहीं। बहिर्मुखता ही मनन न होने का कारण है, और कोई कारण नहीं। तो इसलिए बतला दिया है कि बाह्य विषयों में सुख बुद्धि का त्याग और किसी ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो महान संत है उनका सानिध्य जिज्ञासु के लिए पर्याप्त है, उतने से कल्याण हो गया। तो इसके लिए बतला दिया गया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना आप लोगों को, समाहित आत्मा बोल दिया है। अपने आत्मा से अभिप्राय क्या है? आत्मा जो शब्द है, ये शरीर के लिए भी प्रयुक्त होता है, इंद्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है, अंतःकरण के लिए भी प्रयुक्त होता है, और आत्मा के लिए तो प्रयुक्त होता ही है। तो प्रसंग देख करके अब आत्मा को समाहित करना,
आत्मा कब असमाहित है? तो आत्मा से अभिप्राय यहाँ पर लेंगे अंतःकरण, मन को, शरीर को भी नहीं लेंगे, किसको लेंगे? मन को लेंगे। हाँ, क्योंकि मन ही तो है, यही है ना ड्राइवर, बाकी तो सब गाड़ी घोड़ा है, ड्राइवर कौन है? बुद्धि बतलाई थी ना, बुद्धि तू सारथिम विद्धि, तो मन बुद्धि ही है मुख्य, इसीलिए कह दिया इनको समाहित करके, संयत करके, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने निरंतर ये शब्द प्रयुक्त किए है, क्या किया है? युक्तः, योग युक्तः, समाहितात्मा, जितेंद्रिय, अनेकों प्रकार से युक्तात्मा, ये शब्द प्रयुक्त किए हैं ना गीता जी में, संयत चित्ता, संयतेन्द्रिय, बड़ा प्रयुक्त किया है भगवान श्री कृष्ण ने। एक वो था ना कि यतेन्द्रिय मुनि, तीनों के लिए बोल दिया था, यत वाक काय वाचा मनसा, तीनों के लिए बोल दिया था वहां पर, किसके लिए? शरीर के लिए भी, इंद्रियों के लिए भी, और अंतःकरण के लिए, तीनों के लिए बोल दिया था कि तीनों को जिसने क्या किया हुआ है, वश में किया हुआ है, शरीर को भी, शरीर भी वश में किया, मतलब स्वस्थ है, थोड़ा संयम है, तो शरीर इंद्रिया और मन जिसने वश में किए हुए है, तो वो क्या करे फिर आत्मचिंतन में अपने चित्त को लगाए। ऐसा अब अध्याय का भी स्मरण नहीं आ रहा है, पीछे सुना तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कर रहे हो आप, पर पहले वो तो कर लो जो हम साधन बतला रहे हैं। हाँ जी, एक बार और इसको समझ लीजिए, क्योंकि समय हो रहा है, आगे वाला तो होगा नहीं। इसलिए विवेकी व्यक्ति को बाह्य पदार्थों में सुख बुद्धि का परित्याग करके किसी महान संत की शरण में जा करके, समीप जा करके, और उनके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है, उस ज्ञान को समाहित अंतःकरण के साथ ग्रहण करते हुए विमुक्त्यै प्रयतेत, मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, ऐसा भगवान भाष्यकार ने बतला दिया। कितनी सुंदर बात बतला दी, पूरा आपकी जो आगे का चिंतन है, साधना है, ब्रह्म चिंतन, उसका आधार आपको बतला दिया है। आधार नहीं तो आधेय कहाँ ठहरेगा? आधार क्या है? ये आधार है बाह्य विषयों में जो सुख बुद्धि है, उसका त्याग ये आधार है, और किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत का सानिध्य ये क्या है? ये उस आधार के साथ साथ आधेय की प्राप्ति का साधन। तो आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे, और कल से थोड़ा सा और आगे भी बढ़ेंगे, धीमे धीमे नहीं, थोड़ा तेजी से बढ़ना हो। ओम।